कर्नाटकातील मराठी भाषिक बेळगाव कारवार गुजर निपाणी भालकी सह या शहरांसह मराठी भाषिक बकायदा महाराष्ट्र की विधानसभा में खुद सीएम एकनाथ शिंदे ने ये प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से प्रस्ताव विधानसभा के सदन से पास हो गया। शिंदे सरकार के इस दाव से कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहा सीमा विवाद फिर सुलग उठा है। महाराष्ट्र विधानसभा में पारित प्रस्ताव के मुताबिक कर्नाटक के बेलगांव कारवार निपाणी शहर और 865 गांव की इंच इंच जमीन महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए सरकार सभी जरूरी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कदम उठाएगी। कर्नाटक के ये इलाके महाराष्ट्र की सीमा से लगते हैं और मराठी भाषी बहुल हैं। शिंदे सरकार ने कहा वो उन लोगों के साथ पूरी मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व पाठपुरावा प्रयत्न आपण केले जातील। लेकिन विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके शिंदे सरकार ने ये सीमा विवाद ऐसे वक्त में फिर से भड़का दिया जबकि कर्नाटक में पहले से ही इस पर हंगामा बरपा है। अभी दो हफ्ते भी नहीं हुए जब दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के सीएम ने कुछ बिंदुओं पर सहमति जताई थी। उनमें से एक बिंदु ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक दोनों में से कोई भी राज्य एक दूसरे के इलाके पर दावा नहीं करेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। लेकिन दिल्ली में जिन बातों पर रजामंदी हुई थी ऐसा लगता है कि शिंदे सरकार ने खुद ही वो वादा तोड़ दिया। इस मुद्दे पर शिंदे सरकार उद्धव ठाकरे और दूसरी विपक्षी पार्टियों के भारी दबाव में दिख रही है। आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी के नेताओं ने तो विधानसभा के बाहर मंजीरा बजाकर प्रोटेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता नहीं तब तक ये पूरा जो विवादास्पद विभाग है प्रदेश है उसको केंद्र शासित किया जाए। लेकिन आज उसका उत्तर दिया गया कि 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केंद्र शासित नहीं हो सकता, जो भी स्थिति है वो जैसे थी होनी चाहिए। तो क्या 2008 में जो स्थिति है और आज 2022 की स्थिति जैसे थी है क्या? नहीं है। सीमा विवाद पर कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में उबाल है। अब शिंदे सरकार के इस फैसले से ये विवाद और भड़कने का अंदेशा है।